इसी वजह से आप सब लोग यहाँ भी आए हो। एक दिन मैं भी ऐसे ही आया था। जन्म स्थान बिहार में है मेरा और पढ़ाई लिखाई दिल्ली में किया है। आप सब जानते हैं एक पिताजी सरकारी नौकरी में थे और एक मध्यवर्गीय परिवार से था, तो बचपन से सिखाया गया खूब पढ़ो लिखो मेहनत करो ताकि एक क्या लेनी है बढ़िया। हम सबको बताया जाता है जो नौकरी वाले ऑलरेडी परिवार से हैं, क्योंकि वाकई में बाहर की दुनिया में अगर किसी को बढ़िया नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाता है, और ऐसा है भी। वही तैयारियां मैं भी कर रहा था दोस्तों, उस वक्त के अंदर समझ में आया था कि नहीं, जब मैं खाली वो कर रहा था, जब राम और बजाज समझाया गया तो समझ में आया कि यस, ये लेवरेज इनकम जिंदगी बदल सकता है। समझ में आया था, इसलिए उस तरीके से करना शुरू किया था काम, लेवरेज इनकम वाला। दोस्तों लेवरेज इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो समझ में आ गया। उम्र कम था, अभी मैं बहुत सारे लोगों के चेहरे देख रहा हूं, आते वक्त देखा, बाहर मिला हूं, बहुत सारे ऐसे यहां पर लोग हैं, मेरे लड़के और लड़कियां मेरी टीम से हैं जिनकी उम्र शायद 18 साल 20 साल या 22 साल के आसपास होगी। यस यस, कई बार इस उम्र में ना सारी बातें नहीं आती है समझ में, इसलिए आपको समझा रहा हूं। पहला तो क्लियर हो गया, मैंने भी बिजनेस शुरू किया था। फिर दूसरा समझ में आता है क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है। तो आज बाहर की दुनिया में तो अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं, बड़ा पैसा कमाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन इसको क्या एज ए कैरियर, यानी जिंदगी के अनुसार से भी क्या किया जा सकता है। जैसे लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं, क्या इसमें अपना कैरियर बनाया जा सकता है क्या? सर ये बात आज से करीब करीब 16.5-17 साल पहले मैंने अपने आप से पूछा था। आज आपको बड़ा चेक, बड़ा नाम, बड़ा पहचान, बड़ा रुतबा, लोगों के बड़े बड़े चेक, आपको मेरी कामयाबी सब दिख रही है, लेकिन जब मैं जुड़ा था तो मुझे ये सब कुछ नहीं, इतना हमारे सामने नहीं था। बस हमें विश्वास दिलाया जा रहा था बेहतर होगा, बेहतर होगा और बेहतर होगा। मैं भी पढ़ने वाला एक सामान्य सा विद्यार्थी था जो बहुत मन लगा के पढ़ रहा था अपनी नौकरी को पाने के लिए। वहां पर मैं थोड़ा सा अपनी शेयरिंग और अपनी बात इसलिए हमेशा बताता हूं क्योंकि ज्यादातर जगहों पर मुझे अपनी उम्र के और अपने जैसे दोस्त मिलते हैं, जिस उम्र में मैंने बिजनेस शुरू किया था उसके आसपास या थोड़े छोटे बड़े उम्र के लोग। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, दिल्ली शहर में रहने को मकान खाने को सब कुछ था, मैं पढ़ने में थोड़ा बेहतर था, तो मेरे दोस्तों का ऐसा मानना था या तो मैं एक इंजीनियर बनता सक्सेसफुल और मैं इंडिया से बाहर रहता क्योंकि मैं पढ़ाई बहुत मन लगा के कर रहा था, या फिर मैं एकेडमी वाली पढ़ाई भी कर रहा था आईएएस की पढ़ाई, तो शायद मैं आईएएस की तरफ बढ़ जाता। यानी मैं आपको ये बात क्या कहना चाह रहा हूं, मैं अपनी डिटेल शेयरिंग में इन बातों को आपके बीच रखता और बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग आज से 16.5-16 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, जब ग्लेज की लगभग शुरुआत थी, तो मेरे पास सिर्फ ग्लेज विकल्प नहीं था। बहुत सारे लोग मिलते हैं जो गरीब घर से थे, मजबूरी में थे, परेशान थे, उनके पास बड़ा कुछ करने का रास्ता नहीं था, इस वजह से ग्लेज में आए, बट मेरे पास और भी कई विकल्प थे। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो उस समय भी सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन उससे जस्ट थोड़ा पहले लेके जाता हूं कि आखिर मैं पढ़ने में भी अच्छा क्यों हुआ। मेरे दादाजी किसान थे और मेरे पिताजी ने बहुत संघर्ष करके अपनी पढ़ाई करी थी, बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाई किया था, जो मेरे फादर थे। प्लीज मुझे लगता है यहां जगह नहीं है, लेकिन ऊपर जगह है, आप लोग ऊपर बैठ जाइए और गेट पे जो देख रहे हैं, अब जो लोग आ रहे हैं प्लीज आप उन्हें ऊपर ही भेजिए, नीचे या ऊपर बैठने के लिए पूरा जगह मिलेगा, आप बैठिए गेट पे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है ये आयोजन होता है। तो चेतन सर के दुनिया भर के बड़े बड़े सेशन अटेंड किए हमने, सारे जीडीडी हैं, डीडी हैं, आरसी हैं, फ्रेंचाइजी हैं, इतने सारे लेवल के लोग हैं, हर आदमी की अपनी वो जिम्मेदारियां बटी होनी चाहिए, देखना चाहिए ताकि एक कामयाब सक्सेसफुल आयोजन हो। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए ताकि वो सब चीज उसी ढंग से उसी प्रकार से व्यवस्थित रहे। मैं आगे के लिए आपको सिखाना और बताना चाह रहा हूं, अगर आप आए हैं हर आदमी खुद मांग के कहिए, गुरुद्वारे में मस्जिद में बहुत सारी धार्मिक जगहों पे जाते हैं तो आदमी मांग कर काम लेता है,
कि बताइए मैं क्या करूं, मैं ये करना चाहता हूं। तो आप लोग खुद आगे बढ़कर आए कीजिए बड़े आयोजनों में, और देखिए सब चीज व्यवस्थित ठीक से है तो नहीं तो उसमें आगे बढ़कर आइए। बहुत अच्छा लीडरशिप है, बहुत बढ़िया सब कुछ है, लेकिन मेरा मकसद है, समय कम है क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों से ज्यादा बात कर पाए। कल रात में यहां पर आ गए थे हम लोग, कल रात में पहुंच गए थे यहां पर, क्यों? ताकि आपके साथ अधिक देर बात किया जा सके, समय से बात किया जा सके। तो प्लीज जितने लोग आए हैं उतने लोग, और यहां मैं आपको अपनी उस बात को इसलिए कनेक्ट कर रहा था क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ लीडर हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन की कहानी है, बहुत सारे लोग मजबूरी में जुड़े थे, वजह थी, बहुत सारे लोग मेरी तरह भी होंगे। उस वक्त जब मैंने बिजनेस शुरू किया, शुरुआत में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है। अंकल भी मेरे पास आकर कुछ बात करना चाहते थे, क्योंकि दीप प्रज्वलन का टाइम हुआ, नहीं समझ पाया, इन्होंने कुछ बातें बोली, मेरी अप्लाई छोड़कर चली गई, उसकी अप्लाई छोड़कर चली गई, उसकी अप्लाई छोड़कर चली गई, कुछ कहीं ना कहीं काम के बारे में ही बात बताना चाह रहे थे मुझे। कुल मिलाकर अगर आपको काम करना है, आपका अगर यहाँ का फंडा क्लियर है, तो ये चैलेंजेस का सॉल्यूशन किया जा सकता है। यस और नो? जब मैं पढ़ रहा था उस समय, तो मेरे दो दोस्त थे जो मेरे साथ आईएएस की तैयारी जिनके साथ मैं कर रहा था, उन्होंने कहा, खुश ये क्या कर रहे हो तुम, ये तुम किन चीजों में हो यार, तुम पढ़ने लिखने में इतने अच्छे हो, तुम अपना कैरियर आओ मिलकर करते हैं, तुम भी मेरी तरह ही पढ़ने वाले हो, क्योंकि हम बहुत पढ़ते थे। पढ़ता इसलिए था क्योंकि मैं आपको बता रहा था, बात कट गया, दादाजी किसान थे, पिताजी ने बहुत संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया था। मेरे पिताजी, हम लोग बिहार से हैं आपको बताया, तो जब 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी उन्होंने, तो कलकत्ता में ही आकर उन्होंने नौकरी किया, और उसके बाद जो 10वीं की परीक्षा के लिए उन्होंने जो फीस दिया था, कहीं ना कहीं वो फीस जमीन को गिरवी रख कर दिया था। पहले आज से 50 साल पहले लोग दिल्ली नहीं जाते थे, मालूम है आपको, कलकत्ता आया करते थे, कलकत्ता का बड़ा नाम था, बिहार के बहुत लोग आपको कलकत्ता में मिलेंगे। तो पिताजी बैठ के अपनी बातें बताते थे, जैसे आपकी अपलाइन आपके साथ शेयरिंग करती है ना, हम ऐसे थे, हमने ये किया, हमने वो किया, तो ऐसी शेयरिंग करते थे। तो उन्होंने बोला, क्योंकि और मैं पढ़ने में शुरू में अच्छा नहीं था, लेकिन पिताजी ने बोला, मैंने आपको अच्छा जीवन, बढ़िया लाइफ सब कुछ दिया बेटा, अब आगे और बढ़िया करना है तो एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करो। ये बात सर ने, पापा ने समझाया, इसलिए मैं पढ़ने लग गया था, मैं बहुत मन लगा के पढ़ता था। मेरे पास जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, तब भी मौका था कि मैं इंजीनियरिंग लाइन में जा सकता था, मैं आईएएस की लाइन में जा सकता था। मेरे दोस्त जिनके साथ मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, वो अभी प्रेजेंट में हैदराबाद असिस्टेंट कमिश्नर हैं, योगेश तवर भाई मेरे, उनके साथ तैयारी करी थी मैंने। उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा भैया आपकी वो लाइन है, मैंने अपनी लाइन अब चूज कर ली है, मैं यही काम करूंगा। उन्होंने बोला तो 2-3 साल में निकाल लेंगे हम लोग जिस तरह से पढ़ते हैं। यानी कि 16.5 साल पहले सिर्फ क्यों करना है क्लियर नहीं था, ये भी क्लियर था कि यही करना है। यस सर, क्या आप बात समझ पा रहे हैं मेरी? क्योंकि उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, उस समय आईडी प्रूफ नहीं लगता था, तो मैं कम उम्र का था, कम उम्र में भी बहुत समझ नहीं था, लेकिन जब मैंने समय दिया, वक्त दिया, कंपनी को जाना और समझा, तो समझ में आया कि यही कैरियर है और मुझे इसी कंपनी के साथ अपना कैरियर बनाना है। ये चीज सोचा गया उस समय पर, समझिएगा। यहां ये बात बोलकर सबसे पहले आपको ग्राउंडेड करना चाहता हूं कि आप जिस बिजनेस में आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, ये पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया और सबसे पावरफुल बिजनेस है दोस्तों। यस सर, यहाँ आपको नाम मिलता है, पहचान मिलता है। ये जो स्टेज पर बोल पा रहा हूं, पहले थोड़ा बोलना आता था, इतने अच्छे तरीके से कपड़े पहन पा रहा हूं। बाहर लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं 20,000-30,000 का, तब ये ड्रेस कैसे पहनते हैं, कैसे खाना खाते हैं सिखाया जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो उस समय सोच लिया था, आज अगर आप यहाँ आए हैं तो सोच लीजिए कि इसमें वाकई में कैरियर है।